कि कैंसर शरीर में होता है, मन में नहीं होना चाहिए। जिस दिन मन में आपके आ गया तो समझिए आप उस मन से हार गए। आप कैंसर नाम सुनते ही जहन में डर समा जाता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ नाम सुनकर हम लोग इतना घबरा जाते हैं तो जिन लोगों ने इस जानलेवा बीमारी को जिया है उन पर क्या गुजरती होगी। नमस्कार, मैं गुलनीत। 4 फरवरी यानी वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष में आज हम बात करेंगे ओरल यानी मुंह के कैंसर की। मेरे साथ हैं दिल्ली की शखु कुकरेती। आइए जानते हैं उनकी कैंसर से लड़ने के संघर्ष की कहानी। लोकमत न्यूज़ में आपका स्वागत है शखु जी। थैंक यू। आपको पहली बार कब पता चला कि आपको कैंसर है? एक्चुअली में मुझे दांतों की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी 2016 जनवरी के करीब, दिसंबर के करीब। मैं रैंडमली डॉक्टर को दिखाने जा रही थी, डेंटिस्ट को, तो उन्होंने दवाइयाँ दी लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो मैं 2017 में मार्च के महीने में डॉक्टर ENT डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने मेरा जब मुंह चेक किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक हफ्ते की दवाई लीजिए, उसके बाद आइएगा, लेकिन आइएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा। तो मैंने उनको पूछा क्यों, कुछ सीरियस है? उन्होंने कहा नहीं, आप इसको मिस मत करिएगा, बस मेरे आपकी ये एडवाइस है। मैं एक हफ्ते बाद दवाई गई, मेरे को आराम नहीं आया। डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन बायोप्सी के लिए कराया कि आप बायोप्सी करिए। बायोप्सी कराते ही अप्रैल 5 के करीब मेरी बायोप्सी हुई है। एक हफ्ते बाद मुझे रिपोर्ट मिली है तो उसमें कैंसर डिटेक्ट किया गया। लेकिन इसके बाद भी आपको प्रिकॉशन रखना। तो मैं डर तो बहुत गई थी उस टाइम, लेकिन फिर मैंने अपने मन को ये भी समझाया कि मरने से पहले थोड़ी ना मर सकते हम, मरने से पहले जीने की कोशिश करनी है। तो ये तो आपको नहीं पता कि आप कब मरने वाले हैं, तो हम आज के दिन को भी यही सोच के जी रहे हैं कि आज का जीना है वो जिए पहले। फिर भी ऑपरेशन से पहले वो डर कैसा था? डर तो था, लेकिन मैं बार बार अपने मन को ही समझाती रही कि मैं डरूंगी तो शायद, क्योंकि आज ऑपरेशन का मतलब है कि आपकी और बॉडी के पार्ट्स भी सब चीज़ें प्रॉपर वे में होनी चाहिए, तो कहीं मेरा BP ना बढ़ जाए, उससे मुझे कोई नुकसान हो जाए। तो मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव ये सोच के गई थी कि मैं ठीक होकर वापस आऊँगी। उस टाइम मेरे स्कूल वालों ने मुझे बहुत कॉपरेट किया, कहा कि भाई आप छुट्टी करिए, आप आराम से पहले अपना ट्रीटमेंट करिए। और पहले फिर मैंने फोकस ट्रीटमेंट किया, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मैं काम कर सकूँगी। और मैंने पहले अपना फोकस सिर्फ सेहत के लिए रखा। मैंने ऑपरेशन हुआ मेरा, उसके बाद मेरी थेरेपी वगैरह चलती रही है। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अब मेरा सिर्फ रेगुलर रूटीन चेकअप होता है। तो हमारे साथ शखु जी की फैमिली मेम्बर भी हैं, आइए जानते हैं कि इस केस के बारे में उन लोगों का क्या रिएक्शन था। लाइफ बिल्कुल सीधी चल रही थी और वो एक मोमेंट जब वो मैं अपने ऑफिस में थी और मम्मी रिपोर्ट्स लेने गई थी, मेरी लाइफ एकदम पलट गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी होगी, लेकिन गुरनीत मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप अपने किसी अपने के बारे में सोचते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बोल्डली मेरी मदर ने 1.5 महीने तक सिर्फ नाक से खाना खाया। मेरी कैंसर पेशेंट जितने हैं, मेरी एक उनसे ये गुजारिश है कि कैंसर शरीर में होता है, मन में नहीं होना चाहिए। जिस दिन मन में आपके आ गया तो समझिए आप उस मन से हार गए। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनके इसी जज्बे को लोकमत न्यूज सलाम करता है। जिंदगी हर कदम एक नई